हेलो एवरीवन। तो ये आज का जो मैंने वीडियो बनाया है बहुत स्पेशल है, क्योंकि जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, नीट पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, घर से तैयारी कर रहे हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए नहीं हैं, या फिर जिनके पास इतने रुपए नहीं हैं कि वो किसी महंगी रेफरेंस बुक को खरीद सके, तो आज हम बायोलॉजी की MTG बुक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है नीट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, उसके क्वेश्चन करेंगे। मैं क्वेश्चन बताऊँगी, आप चाहें तो अपनी कॉपी में उन्हें लिख सकते हैं, ताकि आप चाहें तो उन्हें बार बार रिविजन कर सकें, और चाहें तो आप फ़ोन से भी सीधा स्क्रीनशॉट लेके भी इनका रिवीजन कर सकते हैं। तो मैं आपको आज सारे क्वेश्चंस बताऊंगी कि किस तरह से होते हैं, और लाइकवाइज ऐसे ही जितने भी चैप्टर हैं आपके इसमें बॉटनी और जूलॉजी में, उन सबके मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी MTG से, और सबकी अलग अलग चैप्टर वाइज मैं वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको हेल्प हो सके और आप उन्हें नोट डाउन भी कर सको, ताकि इन फ्यूचर वो आपकी हेल्प कर सके। तो हम आज लेसन नंबर फर्स्ट क्लास 11th के उस चैप्टर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द वीडियो। क्लास 11th है और यहाँ पे इसका पूरा कंटेंट दे रखा है और ये सारे चैप्टर्स है क्लास 11th के। तो आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड जो है, इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और आप चाहें तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हो कॉपी में। और जो भी ऐसा बच्चा है जो महंगी बुक नहीं खरीद सकता है, या जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो आप ये उसे वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उसकी हेल्प हो सके। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, हम कुछ करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं सीधे आंसर्स बताने के लिए है, एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो कह रहा है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो कह रहा है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर अ ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। हाँ, ये एकदम सही बात है, अगर मास बढ़ रहा है, अगर आपके सेल के नंबर बढ़ रहे हैं, तो ये ग्रोथ का ही होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम, ये बात भी एकदम सही है। रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलाय इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, क्योंकि अगर ये कोई नॉन लिविंग है, वो कैसे किसी स्टिमुलाय को लेकर रेस्पॉन्स करेगा। अगर वो किसी चीज़ को रेस्पॉन्स कर रहा है, तो वो भी क्या है, एक लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा डी, इसमें हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अनएक्सेप्शनली डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ। आप उसे कैसे अलग कर सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो ये हमसे पूछा है। आप रिप्रोडक्शन से अलग कर सकते हो, ग्रोथ से, या इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, या रिस्पॉन्सिवनेस से। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर आपको नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से अलग करना है, तो वो रिस्पॉन्सिवनेस आएगा, क्योंकि कोई नॉन लिविंग है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे क्या आएगा, रिस्पॉन्सिवनेस आएगा। इन प्लांट सेल डिविजन अकर्स डैश, कहाँ होता है पहली बात, डैश वेयर इन द एनिमल्स इट अकर्स डैश। तो आपको बताना है कि यहाँ डैश में क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखें, तो प्लांट में जो सेल डिवीजन होता है, पहली बात कंटिन्यूअसली होता है, ये तो हमें पता ही है। तो कंटिन्यूअसली इन दो में देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर वेयर एज इन एनिमल इट अकर्स, कैसे होता है, अप टू द सर्टेन एज, कैसे होगा, किसी सर्टेन एज तक ही हो सकता है, उसके बाद में नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर ये कह रहा है कि विच टू ऑफ द बिलो गिवन पॉइंट्स आर नोन एज, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि विच टू ऑफ द गिवन बिलो पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। ग्रोथ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, उनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो, पहली बात अगर हम यहाँ देखें, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हमारा आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड। इंक्रीज इन मास, मास में बढ़ना भी एक ग्रोथ का पॉइंट ही बता रहा है, एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में नंबर का बढ़ना भी आपको मास के अंदर इंक्रीमेंट और नंबर का इंक्रीजमेंट होना, ये भी आपको क्या बता रहा है, एक ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ बता रहा है ग्रोथ के लिए। अब हमारे यहाँ पे इनको मैच द कॉलम करना है हमें। तो कह रहा है कि कॉलम 1 कॉलम 2 दे दी है, किसमें किस टाइप का प्रोसेस होता है आपको ये बताना है रिप्रोडक्शन को लेके। तो अगर हम देखें प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया जो होते हैं ये क्या करते हैं आपके पास में, ये ट्रू रीजनरेशन करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो प्लेनेरिया जो होगा
वो क्या करते हैं, ट्रू रीजनरेशन करते हैं। तो हम प्लेनेरिया को फोर्थ से मिलाएंगे, प्लेनेरिया जो है वो ट्रू रीजनरेशन करते हैं। फिर अगर हम बात करें फंजाई की, तो जो फंजाई होते हैं ये क्या करते हैं, इनके पास में एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। तो फंजाई के पास में एसेक्सुअल स्पोर बहुत ज़्यादा होते हैं, अलग अलग स्पोर, जैसे बेसिडियो स्पोर, हाँ, एस्कोस्पोर, बेसिडियो माइकोटीना, अलग अलग क्लासेस आपने पढ़ी होगी, फाइकोमाइसिटीज क्लास पढ़ी होगी, तो उनमें स्पोर बहुत बनते हैं, एस्कोस्पोर वगैरह जैसे। यीस्ट जो होती है, यीस्ट पे तो हमें पता ही है, यीस्ट के अंदर क्या होता है, बडिंग बहुत होती है। तो यीस्ट में आप किससे ऐड करोगे, इसे बडिंग से ऐड करोगे, यीस्ट पे बडिंग होती है। और अमीबा जो होता है वो बाइनरी फ्यूजन, अमीबा जो है वो बाइनरी फ्यूजन करता है, ये भी हमें पता है। एक यहाँ पे रह गया फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन जो है वो फंजाई भी करता है, तो फंजाई फ्रेगमेंटेशन भी करता है, तो फंजाई जो है वो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन भी करता है और वो स्पोर्स भी बनाता है। तो दो मेथड यहाँ पे हमारे पास फंजाई के होते हैं। अगर इन ऑप्शंस को देखें, तो इन ऑप्शंस को देखते हुए हमारे कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा आंसर बी बनता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच मल्टीप्लाई बाय द फ्रेगमेंटेशन, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो फ्रेगमेंटेशन से करते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन से करने वाले, अभी मैंने, हमने अभी नीचे देखा कि फंजाई तो था ही, तो फंजाई किसके अंदर आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इन तीन में फंजाई आ रहा है। दूसरी बात, अगर हम बात करें फ्रेगमेंटेशन में अमीबा नहीं होता है, तो ऑफकोर्स इसे हम डिलीट कर देंगे। अर्थवॉर्म भी फ्रेगमेंटेशन से नहीं करते हैं, ये भी डिलीट हो गया है। तो हम एलिमिनेट करके भी यहाँ पे अपने आंसर को निकाल सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, इनमें से कौन से ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस ही नहीं करते हैं। तो ये जो सारे के सारे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे ऐसे हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। जो वर्कर बी जो आती है हनी बी के अंदर, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं करती है, म्यूल्स भी नहीं करते हैं, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट वन, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग लिविंग में नहीं मान सकते हैं। आपने अगर चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा तो एनसीईआरटी में था ये पॉइंट कि हम रिप्रोडक्शन को भी एक वो यूनिट नहीं मान सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर टू, देर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे बहुत सारे हैं जो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, जैसे कि म्यूल्स हैं, वर्कर बीज हैं। तो ये स्टेटमेंट इसको क्या कर रहा है, अच्छे से डिफाइन कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट दोनों ही सही है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू भी हैं और स्टेटमेंट टू इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन में भी आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सेज ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज करेक्ट, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमने, हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कह रहा है कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, हाँ ये बात सही है कि जो स्टिमुलाई कैसे भी हो सकता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, तो ये स्टेटमेंट सही होता है हमारा। आगे देखते हैं सही है या गलत। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, ये भी बात सही है। जितने भी हैं प्रोकैरियोट्स, सभी के सभी स्टिमुलाई भी करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई को लेकर। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है कॉन्सिक्वेंसेज एंड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑफकोर्स हमने कहा था जो रिस्पॉन्स, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ये क्या था टू, तो इस क्वेश्चन नंबर टू में हमने कहा था कि अगर कोई लिविंग है तो वो रिस्पॉन्स करेगा। तो यही पॉइंट यहाँ पे इन्होंने थोड़ा इलाबरेट करके लिखा है। वैसे भी अगर आपके दो सही है तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज ये, तो आपको बिना पढ़े भी आप यहाँ पे ऑल ऑफ दीज कर सकते थे, लेकिन अगर हम देखें तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही आ रहा है। द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यूज, और लाइफ कंटिन्यू करती है, इंस्टूरेट द रोल ऑफ, तो ये किसके बारे में कह रहा है कि कुछ भी जो है वो फॉरएवर नहीं है और फिर भी जो है लाइफ कंटिन्यू होती है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी फॉरएवर नहीं है तो भी लाइफ कंटिन्यू करती रहती है, तो यहाँ क्या आएगा, रिप्रोडक्शन इसका आंसर आएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं है। तो हमने कहा कि जो रिप्रोडक्शन है, हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लिविंग नहीं, जैसे म्यूल्स और वर्कर भी हमने देखा। तो इसमें यही एक चीज़ है कि वो डज नॉट, इस पर नॉट पर ध्यान देना है, क्वेश्चन में हम भूल जाते हैं और ये मिस्टेक हो जाती है, डज नॉट पूछा कंटेन डिफाइनिंग, इसलिए हमने ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को इसमें करेंगे। नेक्स्ट, अब आप आ रहे हो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसमें अलग अलग सेक्शन देकर इस तरह से सिस्टमैटिक करके इन्होंने क्वेश्चन दिए हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं डैश इज द ब्रांच ऑफ ए साइंस डीलिंग
विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म का पूरा आप क्लासिफिकेशन करना, आइडेंटिफिकेशन करना, उसका नॉमेनक्लेचर करना, ये किस में आते हैं? ये टैक्सोनॉमी में आते हैं. देखा होगा जैसे कि हमने कहा था किंगडम आता है, किंगडम के बाद में आप फाइलम की बात करते हो, फाइलम के बाद में आप यहाँ पे क्लास की बात करते हो, फिर ऑर्डर की बात करते हो, फिर फाइलम की बात करते हो, फिर आप यहाँ पे जीनस की बात करते हो, फिर स्पीशीज की बात करते हो. इस तरह से टैक्सोनॉमी हायरार्की भी आपने पढ़ा होगा. तो ये इसको और इन सब की डील, उनका नॉमेनक्लेचर करना, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना, ये सब टैक्सोनॉमी में आता है. ठीक है. सेलेक्ट द करेक्ट रिटर्न बोटानिकल और जूलॉजिकल नेम. इनमें से कौन सा एक ऐसा नाम है जो बिल्कुल सही लिखा है, इसने हमसे ये पूछा है. ठीक है. तो बोटानिकल और जूलॉजिकल नेम जो बिल्कुल सही है, अगर हम यहाँ पे देखें तो पैंथेरा टिग्रस एकदम सही लिखा है. यहाँ पे जो एकदम सही लिखा है हम देखें तो हमें सारे इसमें सही लग रहे हैं. मुझे भी सब सही लग, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, मैं भी आपकी तरह जब पढ़ रही थी, तो मुझे भी सब सही लग रहे हैं. क्या दिक्कत है? होमो सेपियन भी सही लिखा है, पाइसम सेटाइवम भी सही लिखा है, सब कुछ सही तो लिखा है. अब मुझे समझ में आता है कि गलती क्या है, कि हम इनके रूल्स भूल गए. रूल होता है कि जो ये जो है हमारा, एक जेनरिक नेम होता है और एक आपका एक एपिथेटिक नेम होता है. तो ये वाला जो जेनरिक नेम है और ये एपिथेटिक वाला होता है, तो जेनरिक वाला कैपिटल से होता है और ये वाला जो एपिथेट है ये स्मॉल आता है. तो ये यहाँ कैपिटल, दोनों कैपिटल नहीं हो सकते, इसलिए ये वाला गलत है. इनको बोल्ड में लिखना होता है, यहाँ पे इसे बोल्ड में नहीं लिखा, बाकी तीन बोल्ड में, तो ये वैसे गलत है. मैंजीफेरा इंडिका इसके पूरे नाम में लिन आएगा. अगर किसी साइंटिस्ट का नाम भी है और रूल कहता है, तो आपको क्या करना है, उस साइंटिस्ट का नेम भी लिखना है. तो आपको क्या करना है, उस साइंटिस्ट का नेम भी लिखना है. तो मैं थोड़ी सी जगह बना के यहाँ लिख देती हूँ. ये लिन आएगा, यहाँ पे दो एन आएंगे और ये जी एस, ऐसे कर देती हूँ. ठीक है. तो यहाँ क्या आएगा, ये मैंजीफेरा इंडिका के अंदर लिन पूरा नाम आएगा. तो पैंथेरा टिग्रस एकदम सही लिखा है, ये इसमें छोटा भी लिखा है और पूरा कंप्लीट भी लिखा है. ठीक है. तो यहाँ पे इस वजह से ये सही होगा. फर्स्ट स्टेप इन अ टैक्सोनॉमी, जो टैक्सोनॉमी जो होती है उसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. अगर आपने उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई नहीं किया, क्या तो आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे, क्या नॉमनक्लेचर, क्या क्लासिफिकेशन, क्या करोगे? तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए. थर्ड नेम इन द ट्राइनॉमियल, ट्राइनॉमियल के अंदर जो उसका थर्ड नेम होता है वो क्या हो सकता है, उसकी सब स्पीशी आती है. क्योंकि हमने कहा कि एक आपने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी में, सबसे पहले आप उसका जेनरिक नेम लिखते हो, फिर आप उसका स्पीशी में एपिथेट लिखते हो, और फिर आप उसका लास्ट में बचा है अगर कुछ, तो स्पीशीज का सब स्पीशी लिख सकते हो. फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ऑर्गेनिज्म लेवल इन द लिविंग बींग्स. तो लिविंग बींग्स के अंदर जो सही लेवल है उसके बारे में यहाँ पे बात की. तो सबसे पहले आपको क्या लग रहा है, आप थोड़ा देखिए इस क्वेश्चन को, क्या लग रहा है आपको कि क्या हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाइए. देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपने एटम होता है, सबसे पहले एटम होता है. ऑफकोर्स हमने कहा था कि एक और एटम होते हैं, एटम मिलने से क्या बनता है, वो एक पूरा मॉलिक्यूल बना देते हैं. तो पहले एटम आएगा, फिर मॉलिक्यूल आएगा. ठीक है. फिर सब सेलुलर आएगा, फिर सेलुलर आएगा, फिर इस तरह से टिश्यू बनते हैं. क्योंकि एक ये सेल बना है और दो तीन सेल जब मिल जाते हैं तो आप उसे क्या कहते हो, टिश्यू कहते हो. उसे आप क्या कहते हो, टिश्यू कहते हो. और खूब सारे ऐसे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. उसी ऑर्गन सिस्टम से एक इंडिविजुअल बन जाता है. फिर से करते हैं, पहले एटॉमिक, फिर मॉलिक्यूलर, सब सेल्यूलर, सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और इंडिविजुअल. ठीक है. टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम और फिर इंडिविजुअल. तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और पेपर में भी बहुत अच्छे से बार बार पूछा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल ऑफ अ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इज इनकरेक्ट. पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी करैक्टर है क्या क्या. अगर हमें उसके सही करैक्टर पता है तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर सकते हैं. तो ऑप्शंस देखते हैं. बायोलॉजिकल नेम्स आर ईदर डिराइव फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेजेस और आर लैटिनाइज्ड. एकदम सही बात है, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, ये पूरे के पूरे लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया हुआ है. क्योंकि जो पुराने काम किए गए थे बायो के अंदर वो लैटिन लैंग्वेज में साइंटिस्ट ने किए थे, फेमस साइंटिस्ट वगैरह ने, इस वजह से क्या हुआ, लैटिन लैंग्वेज को ही
सेलेक्ट किया गया। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, अभी हमने ऊपर भी देखा था कि जैसे ये होमो सेपियन था तो इसमें होमो ये जो पहला नाम है जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पहला नाम जीनस को, ये भी हमारा रूल एकदम सही है। वाइल द सेकेंड जो होता है वो स्पीशी एपिथेट को बताया जाता है, ये सेकेंड स्पीशी। और हमने थर्ड में यहाँ देखा कि आप थर्ड में सब स्पीशी को ऐड कर सकते हो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में, तो ये वाला पॉइंट भी पूरा सही है। बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब आप लिखते हो सेपरेटली अंडरलाइन करना जरूरी होता है, और प्रिंटेड इटैलिक टू द इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, वो उनका लैटिन ओरिजिन को भी शो करे। जैसे ये यहाँ पे बोल्ड में नहीं था, ये इसका इटैलिक रिप्रेजेंटेशन शो नहीं कर रहा था, तो ये यहाँ पे इसका इटैलिक का लैटिन रिप्रेजेंटेशन भी शो करे। दस अभी तक सारे सही आए हैं, तो ऑटोमेटिकली ये रॉन्ग होता है, पर फिर भी हम इसे पढ़ेंगे क्योंकि हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है। सारे सही हैं तो इसी के बारे में बात करते हैं। द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक एपिथेट कहाँ स्टार्ट होता है, हमने कहा था इसमें हमने होमोसेपियन कुछ गलत किया है कि ये वाला जो एपिथेट है कि कैपिटल से स्टार्ट हो गया था तो रॉन्ग हो गया था, जीनस वाला कैपिटल से होता है। तो स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर व्हाइल द जेनेरिक एपिथेट स्टार्ट, यही गड़बड़ आ गई है, तो यही हमारा इंडिका जो उसने लिखा है गलत लिखा है। यहाँ पे मेंजीफेरा में ये एम जो था ये कैपिटल होना चाहिए था और ये जो आई था ये छोटा होना चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए था, इसलिए यही हमारा इनकरेक्ट है। फिर हम आगे बात करते हैं, लीनियस डिस्क्राइब द 5900 स्पीशीज ऑफ ए प्लांट इन हिज बुक, तो लीनियस ने बहुत सारा काम किया है, इन्होंने ही हमें बायनॉमल नॉमेनक्लेचर दिया था। क्वेश्चन आता है बायनॉमल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, तो वो लीनियस, ये बात ध्यान रखना। मेंजीफेरा इंडिका के आगे लिन लगा है, मेंजीफेरा इंडिका जो है ये भी इन्होंने ही नाम दिया है, तो लीनियस के बारे में बात करेंगे। तो उन्होंने 5900 स्पीशी देखी है अपनी बुक के अंदर, इन हिज बुक डैश 1753 में, एंड 4326 स्पीशीज ऑफ एनिमल इन हिज डैश बुक इन 1758 के अंदर। तो ये एक तरह से रटने वाला क्वेश्चन हो गया, अगर आपको याद होगा, अगर एनसीईआरटी में आपने देखा होगा स्पीशीज प्लांटेरियम नाम का बहुत चल रहा था। अब स्पीशीज प्लांटेरियम आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी तो लिखा है, ये सही हो सकता है, सेकंड में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो 1758 में पब्लिश नहीं हुई थी। अगर सन अच्छे से याद होगा वो 1753 में पब्लिश हुई थी, इसलिए फर्स्ट स्पीशी प्लांटेरियम आना चाहिए, स्पीशी प्लांटेरियम नहीं है, नहीं है। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे भी स्पीशी प्लांटेरियम इसमें आ रही है, तो ऑटोमेटिकली ये सही होता है। अगर आपको एक नाम पता है तो भी कर ले, क्योंकि आपने एक जो नाम पता था उसका सन सही पता था, ठीक है। और जो दूसरा यहाँ पे इन्होंने एक और बुक लिखी है, वो लिखी थी 1758 में, जिसमें 4000 स्पीशीज की बात की एनिमल की, वो कौन सी है, सिस्टमा नेचुरे, ये कौन सी है, सिस्टमा नेचुरे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन ICBN, इसमें बी नाम आ रहा है, जैसे कि हमें पता है कि बॉटनी जूलॉजी को दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है, तो कहाँ अब बी फॉर बॉटनी होगा और जेड होता तो जूलॉजी होगा, तो बॉटनी कहाँ लिखा है, बायोलॉजी बायोलॉजी बायोलॉजी, एक में ही बॉटनी लिखा है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। हु रॉट द स्पीशीज प्लांटेरियम, अभी हम ऊपर करके आए हैं कि स्पीशी प्लांटेरियम जो है किसने लिखी है, स्पीशी प्लांटेरियम कार्लियस लीनियस ने लिखी, अभी हमने ऊपर देखा था। क्लासिफिकेशन सिस्टम have many advantages, which of the following is not a goal of the biological classification, का goal नहीं है ये पूछा, हमने कहा इसके बहुत सारे advantages हैं, तो इसका goal कौन सा नहीं है, इसने हमसे ये पूछा है, तो आपको क्या लग रहा है, थोड़ा read कीजिए question को, आपने पढ़ा है क्या इसका नहीं है। हाँ ये बात तो सही कि relationship को करता है among organism, तो ये बात एकदम सही होती है, एंड टू हेल्प अस हमें याद हो रिमेंबर अच्छे से कर सके उनके ट्रेट वगैरह, ये भी एकदम सही है, हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके, ये भी सही है। लेकिन टू डिपिक्ट ए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, उसमें ऐसा कुछ इवोल्यूशन वाला कुछ नहीं है, उसमें ये इसका गोल नहीं है, रिलेशनशिप अच्छे से हो, हमें अच्छे से याद हो सके उनके बारे में, ठीक है, और आइडेंटिफाई कर सको आप उनके बारे में, ये सब यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आ गया है, तो अब यहाँ पे अगर आपको जैसे कि सारे ऑप्शन दे रखे हैं कन्फ्यूजन करने के लिए, लेकिन अगर आपको यहाँ इनमें से एक भी पता है कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हो, तो भी आप ये क्वेश्चन कर, जैसे क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे फादर ऑफ बॉटनी आप किसे कहते हो, फादर ऑफ बॉटनी के ऊपर है कि फादर ऑफ बॉटनी आप किसे कहते हो, तो अगर आपको पता है तो आप इसे कर सकते हो, तो आप बताइए फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी सबको पता होगा आई थिंक ये कौन है, थियोफ्रिस्टस। तो आप देखो सबसे पहले सी में फोर्थ कहाँ दिया है, एक तो यहाँ दिया और एक यहाँ दिया है, ठीक है, इन दोनों में अगर पीछे वाले ऑप्शन में देखें डी में दोनों में ही फर्स्ट है, यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिप्पोक्रेट्स है, ये यहाँ पे फिक्स हो गया कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिप्पोक्रेट्स है।
तो ये हो गया। अब कन्फ्यूजन आ रही है ए में और बी में। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर अभी हम इतनी देर से बोल ही रहे हैं कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया है, लीनियस ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए में थर्ड कहाँ है, ऑप्शन ए में थर्ड यही है, तो यही हमारा आंसर आ जाता है इस तरह से। नेक्स्ट आता है मोस्ट नेम्स इन बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टेकन। हमने कहा कि सब कुछ कौन सी लैंग्वेज में किया, लैटिन में, तो सारे नेम भी कौन से, लैटिन के। कार्लियस लीनियस कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको याद रखा होगा, नहीं है तो थोड़ा सा रट लीजिए कि कार्लियस लीनियस जो थे वो स्वीडन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है द मेन पर्पज़ ऑफ ए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन करने का जो मेन पर्पज़ क्या था इन लोगों का, ये था कि एक अच्छा सा रिलेशनशिप जो है ऑर्गेनिज्म के बीच में एस्टेब्लिश हो सके, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी जो है उस प्लांट टैक्सोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हमें यहाँ पे देखें तो आप अपने फ्लोरा को अच्छे से रीड करो, ये भी सही बात है, आप आइडेंटिफिकेशन करो ये भी सही बात है, आप नॉमेनक्लेचर करो ये भी सही बात है, तो दो सही हो गए तो ऑल ही होगा, फिर भी देख लेते हैं। लैटिन हो, हाँ ये भी सही है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। प्लांट्स वर गिवन अ लैटिन नेम्स बिकॉज इट इज अ, ये क्या है, तो ये एक तरीके की डेड लैंग्वेज में आती है। कैसी लैंग्वेज में आती है, डेड लैंग्वेज में आती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बायोलॉजिकल नेम्स, बायोलॉजिकल नेम के लिए कौन सा इसमें से सही है। तो हमने बायनोमियल क्या था, दे आर बायनोमियल, ये भी सही बात है, दे आर डिस्क्रिप्टिव, ये भी सही बात है, दे आर यूनिवर्सल, क्योंकि हर जगह यूज हो रहे हैं, तो ये तीनों के तीनों ही सही थे, यहाँ ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा। द साइंटिफिक नेम ऑफ अ बेनियन इज रिटन एज फाइकस बेंगलेनेसिस, द साइंटिफिक नेम ऑफ ए बेनियन इज रिटन एज फाइकस बेंगलेनेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस, इसको लेके कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, लेटर एल सिग्निफाइज द लैटिन लैंग्वेजेस, एल का मतलब यहाँ पे लैटिन से है, नहीं ऐसा नहीं है, किसी भी नाम में आप सीधा लैटिन लैंग्वेज का ऐसे कुछ यूज नहीं कर सकते हो। फिर कह रहा है कि यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है, ठीक है। द नेम शुड बी रिटन रिवर्स विद द बेंगलेनेसिस प्रिसीडिंग फाइकस, बेंगलेनेसिस को पहले क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये तो स्पीशी है, स्पीशी तो बाद में आती है, तो यहाँ इन्होंने एकदम सही लिखा है, ये भी एकदम सही है। लेटर एल सिग्निफिकेंस सिग्निफाइज द टैक्सोनॉमिस्ट लीनियस, हाँ ये सही है कि वो जो है लीनियस की वजह से इसको नाम दिया है, एल नाम दिया गया है। बेलेगनेसिस इज नॉट ए जेनेरिक नेम, जेनेरिक तो फीकस है, जो पहले आता है वो जेनेरिक नेम होता है, जो बाद में आता है वो स्पीशी एपिथेट में आता है, इसे आप स्पीशी एपिथेट में बोलते हो, तो इसमें ये वाला सही आएगा। नेक्स्ट आता है इन द बायनोमियल सिस्टम ऑफ ए टैक्सोनॉमी डेवलप ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी बाय द कार्लियस लीनियस, द सेकेंड वर्ड, जो सेकेंड वर्ड होता है ऑफ ए ऑर्गेनिज्म उसे आप क्या कहते हो, सेकेंड वर्ड को हम कब से पढ़ रहे हैं, पहला जीनस को बताता है, सेकेंड की स्पीशीज को बताता है। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज कंट्रीब्यूटेड बाई लीनियस, लीनियस ने इनमें से कौन कौन सी जो है बुक लिखी है, आपसे ये पूछा है। तो अभी हमने एक तो पढ़ी थी, यहाँ पे क्वेश्चन था स्पीशीज प्लेंटेरियम और सिस्टम नेचुरा करके, तो स्पीशीज प्लेंटेरियम नहीं दिए, हॉसिटेरिया नहीं है, स्पीशी प्लेंटेरियम है, तो दूसरी बची कौन सी, सिस्टमा नेचुरा। ये सिस्टमा नेचुरा इन्होंने कब दी है, ये इन्होंने 1758 में दी है, ठीक है, तो सन याद रखना। और जो आपकी स्पीशी प्लेंटेरियम थी वो कब दी थी उन्होंने, वो उन्होंने 1753 में दी थी। आगे द इंटरनेशनली रिकोगनाइज बायोलॉजिकल नेम्स वर गिवन इन अ लीनियस इन हिज बुक, तो जो इंटरनेशनली इनको जो रिकोगनाइजेशन मिली थी ये किस वजह से मिली थी, इनकी स्पीशीज प्लेंटेरियम, ये इनकी मेन बुक थी जो कि 1753 में आई थी, ठीक है, इस वजह से इसको क्या हुआ था, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन भी मिली है। फाउंडर ऑफ ए बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वॉज, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के फाउंडर कौन है, कब से पढ़ ही रहे हैं, लीनियस लीनियस के गीत गा रहे हैं हम इसमें। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसमैच्ड, ये पहले से टिक है, किसमें मिसमैच्ड कौन सा है, तो ऑफकोर्स फ्रॉक का नाम ब्यूफो करके कुछ नहीं है, राना टिग्रीना होता है फ्रॉक का नाम, राना टेम्पोरेसिस करके होता है, ये ब्यूफो नहीं होता है। बाकी टी का टीआरचिनेसिस बिल्कुल सही है, रबर को पैरा रबर को आप हेवियर ब्रिसलेसिस बोलते हो, ये भी एकदम सही है, ये एनसीईआरटी के अंदर आएगा, आप पढ़ेंगे आगे। एंड अर्थवॉर्म को आप बोलते हो फेराटीमा पोस्तुमा, ये भी एकदम सही है, ये फेराटीमा पोस्तुमा बार बार क्वेश्चन आएगा, बहुत कन्फ्यूजन भी हो जाती है, तो इसमें ये फ्रॉग वाला गलत आता है। एंड इंग्लिश नेचुरलिस्ट हु रॉट द बुक हिस्टोरियस जनरलिसिस प्लेंटेरियम, तो जो हिस्टोरियस जनरलिसिस प्लेंटेरियम है वो वाली बुक किसने लिखी है, हमसे ये पूछा है।
तो जो आपकी स्पीशी प्लेंटेरियम थी वो लीनियस ने लिखी थी, ठीक है, और आपकी जो है वो सिस्टम नेचुरा वो भी लीनियस ने लिखी थी, लेकिन इस बार इसने क्या पूछा है, हिस्टोरिया जनरलिस प्लेंटेरियम, ये किसने लिखी है, ये जॉन रे ने लिखी है, किसने लिखी है, जॉन रे ने लिखी है। लीनियस सिस्टम ऑफ ए क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन, वो किसके ऊपर बेस्ड थे, जो लीनियस ने इतना बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है, ये सब किस पे बेस्ड था, इकोलॉजी पे, एनवायरमेंट वगैरह से कोई लेना नहीं था, ना ही साइटोलॉजी से था, ना ही एम्ब्रियोलॉजी से था, मॉर्फोलॉजी से। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में कि जो लीनियस ने सिस्टम दिया था वो किस पे बेस्ड था, वो मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड था।